इस वक्त हम मौजूद हैं मृतक प्रेमचंद्र यादव के घर में, और हमारे साथ यहाँ पर आप उनकी बेटी हैं, बड़ी बेटी हैं, छोटी? बड़ी। क्या नाम है आप? अर्चना। आपके पिताजी की हत्या हुई, और यहाँ से बताया जाता है कि आपके पापा सुबह किस लिए गए थे वो दुबे के परिवार? हमारा खेत है, वहाँ पे खेत देखने गए, और बाइक लेके उसका लड़का, बड़ा लड़का जो दिवेश दुबे है, वो बाइक लेके पापा वो अपने घर पे चला गया, और वो फिर पापा बाइक लेने गए और पीछे से वो किसी चीज़ से वार किया, पापा ज़मीन पे गिर गए। उसके बाद उसकी मम्मी ला किसी कुदार वगैरह से लेके आई उसको, फिर पापा का गले पे ही मार दी वो, और जितने भी छोटे बच्चे थे उसका फूफा जीजा वहाँ सब लोग मौजूद थे, वो सब लोगों ने पापा को मारा है वहाँ पर। ठीक है, आप उनकी बड़ी बेटी हैं और आप छोटी बेटी? जी। कैसा स्वभाव था आपके पिताजी का, किस स्वभाव के थे वो? मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, किसी के बारे में कुछ गलत सोचते ही नहीं थे वो। अभी आप लोग स्कूल वगैरह जा नहीं रही होंगी, घर ही में हैं? हाँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे साथ उनके सारे जो है वो बच्चे मौजूद हैं, दो उनकी तीन बेटियाँ हैं और एक ये छोटा बेटा है। और देखिए, आरोप लगा है कि नवनाथ मिश्रा ने जो है सुनने के बाद और जा करके उन दुबे परिवार के तीन लोगों पर गोली मारी है, और उनको मुख्य आरोपी माना गया है, वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। क्या कहेंगे? ये हमें नहीं पता है कि उनको वो कौन के पापा के जिगरी दोस्त थे। हाँ, क्या कुछ आपकी मांग है? बताया जा रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं कि नोटिस चस्पा किया गया है, कार्रवाई हो सकती है, जो भी हो सकता है, क्या कहेंगे? जो नोटिस लगी है वो तो, एक तो मेरे घर गार्जियन कोई है नहीं, और पता नहीं क्या चिपका के चले जा रहे हैं जिसके बारे में हम लोगों को ABCD तक नहीं पता है। और अगर हमारे साथ, बस सरकार से मेरी यही निवेदन है कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे घर को बुलडोजर चलाया गया, तो हम सभी लोग आत्मदाह कर देंगे, क्योंकि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, यही ऑप्शन ही है हमारे पास। आप बताइए, कुछ कहेंगे? जी नहीं, बस हमें न्याय मिले, मैं यही कहूँगी, सरकार हमें भी देखे। फिर हम भी तो देश की बेटी हैं ना, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, आखिर किस लिए योगी जी फैलाए हैं? हम भी देश की बेटियां हैं ना, हमें भी वो देखें। कैसा स्वभाव था आपके पापा का, क्या कुछ कहते थे वो, आप लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे, कैसे आप लोगों का रिश्ता था? मेरे पापा का स्वभाव बहुत अच्छा था, आप चाहें तो गांव में घूम के बहुत लोग से पूछ सकती हैं, आप बता देंगे। और मेरे पापा यही कहते, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूँगा। और हमारे साथ कोई नहीं रहा, हमारा फ्यूचर क्या होगा हमें नहीं पता। उस वक्त जब आपके पापा घर से निकले थे तो आप लोग क्या कर रहे थे? उस वक्त सो रहे थे? देवरियाँ रहते हैं ना, घर पे कोई था ही नहीं, बस पापा, मम्मी, दादाजी, आप सभी लोग देवरिया? हाँ, हम लोग सब लोग देवरियाँ ही रहते हैं। आप लोगों भी देवरियाँ ही रहते हैं उस वक्त, देवरियाँ ही रहते हैं हम सारे परिवार, अंकल के परिवार सब लोग देवरियाँ रहते हैं। और उस टाइम जब घटना हुआ तो मेरे अंकल भी वहीं थे हम लोगों के साथ में ही, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया है। तो अब आप लोग, जब से आपके पापा की हत्या हुई है उसके बाद से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ। आप लोगों को किस तरह से पता चला, वहाँ तक कैसे खबर गई, किसने बताया? पता नहीं, चाचा के पास कॉल आया कि भैया के साथ ऐसा हुआ है, तो हम लोग सब लोग वहाँ से यहाँ आए घर। पापा आपके, आप लोगों से क्या कहते थे, क्या आगे के लिए क्या कहते थे, या किस प्रकार के बातें आप लोगों के बीच में होती थी, कैसे स्वभाव था उनका? स्वभाव तो बहुत ही अच्छा था पापा का, हम लोगों से भी और लोगों से भी, सबसे, किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते ही नहीं थे, सबको, मतलब किसी भी टाइम किसी को भी मदद चाहिए तो वो तुरंत उनके सामने आ जाते थे मदद करने के लिए। भावुक होती नजर आ रही हैं, देखिए पापा की याद भी आती होगी आपको। बहुत, हमारी तो पूरी दुनिया ही चली गई है। आपका यही एक ही भाई है, और आप तीन देख सकते हैं आप कि ये उनके छोटे बच्चे हैं, और ये दोनों उनकी बेटियां हैं, और वो दोनों ही भावुक हो गई हैं, और पापा की उनको याद आती है, और उनका कहना है कि हमारे भी पक्ष को सुना जाए। आपकी क्या कुछ अब और मांग है? CBI जांच की बात सपा डेलीगेशन वाले कह रहे थे कि होगी, आप लोग उसकी मांग कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है, CBI जांच होनी चाहिए।
ये जमीनी विवाद जिसको बताया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ विवाद कब से चला आ रहा था आप लोगों को, इसकी कभी कोई जानकारी हुई कभी कुछ बातचीत में आप लोगों ने? नहीं नहीं हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस जिसका जमीन था वो अंकल बहुत अच्छे हैं और हमारे घर पे ही रहते हैं वो, उनसे जिसके मतलब सत्य प्रकाश दुबे से तो कोई ताल्लुक ही नहीं था जमीन से। उनके चाचा यानी देवेश के चाचा सत्य प्रकाश दुबे के भाई आपके घर पे रहते हैं? हाँ तो अभी भी वो घर पे ही हैं या वो कहीं गए? नहीं बाहर रहते हैं, वो आते हैं तो हमेशा यहीं रहते हैं। तो ये जमीनी जो पूरा विवाद था इसको लेकर के आपके पापा बातचीत करने वहां पर गए थे या खेत देखने गए? नहीं नहीं खेत देखने गए थे, बातचीत तो उनसे होती ही नहीं थी। क्या लगता है आपको ये हत्या क्यों की गई? जैसा आप बता रहे हैं कि वो वहां पर अपना खेत देखने गए थे, तो क्या आपको क्या लगता है कि हत्या किस लिए की गई है आपके पापा? प्लानिंग थी उन लोगों की बस, कि हटाना है इसको कैसे भी, ये अगर हटा तो जमीन हमारी हो जाएगी। आप बताइए आपको किसी प्रकार की कुछ जानकारी मिली, आपको कब कैसे पता चला कि आपके पापा मतलब अब नहीं रहे हैं, किस तरह से आपने क्या उस वक्त महसूस किया? अच्छा हमें पता चला मेरे पापा अब नहीं रहे थे, हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पापा कोई ऐसे कुछ ऐसा हो सकता है उनके साथ। फिर जब हम लोग पोस्टमार्टम की बॉडी देखने गए फिर भी हम लोग विश्वास नहीं कि मेरे पापा कुछ ऐसे मतलब वो अब नहीं रहे हम लोग के साथ। फिर बहुत कुछ है ऐसा होने के बाद अभी भी नहीं लगता है कि हमारे साथ नहीं है, उनकी यादें बहुत आती हैं हमें, उनकी बातें बहुत कुछ। अभी भी आपको लगता है कि आपके पापा आपके साथ? लगता है बिल्कुल लगता है, ऐसा लगता है कहीं वो गए अभी आ रहे होंगे। क्या बुलाते थे आपके पापा? माई डियर डॉक्टर बोलते, सब सबको बोलते थे माई डियर डॉक्टर बोलते। आपके पापा आपको माय डियर डॉटर बोलते जी? तो देख सकते हैं आप यहाँ पर भावुक हो गई है वो बच्ची और उसको पापा की याद आती है। देखिए जमीनी विवाद जो भी हो, हत्या जिस वजह से भी दोनों पक्ष के लोग खोए, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी किसी भी चीज़ में कोई गलती नहीं रही होगी। मैं महक शर्मा, कैमरा पर्सन अमरीश के साथ, भारत समाचार।